पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मुश्किल टेस्ट मैच खेल रहा है। अगर पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना है तो इन छह चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इन छह चीज़ों को अप्लाई करने में कामयाब हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को यह टेस्ट मैच जीतने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा और साउथ अफ्रीका को हरा कर दुनिया भर में अपना झंडा लहरा देगा। पहले नंबर पर आता है टॉस। अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो पाकिस्तान ने दिल को बड़ा करना है और पहले बैटिंग करनी है। इसकी वजूहात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर आता है रन्स ऑन द बोर्ड। पाकिस्तान टॉस जीत गया, पहले बैटिंग कर रहा है तो पाकिस्तान ने रन्स लगाने हैं। ओपनर्स का मसला है, ओपनर ने अच्छा स्टार्ट देना है, एवरेज स्टार्ट तो लाजमी देना है। टेल एंडर्स का मसला है, टेल एंडर्स को थोड़ी बड़ी सपोर्ट देनी है। 25 से 30 रन हर बॉलर ने करने हैं, 10-15 रन करने हैं, 300 रन बोर्ड पर लगाने हैं। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 300 रन लगाने में कामयाब हो गया तो मैं आपको कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका को लाले पड़ जाएंगे, उनकी नींदें हराम हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान टॉस हार भी गया तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान को दिल बड़ा रखना है, बैटिंग अच्छी करनी है। तीसरे नंबर पर आती है स्लिप कैचिंग। स्लिप कैचिंग पाकिस्तान ने अच्छी करनी है क्योंकि तेज विकटें होंगी, एजिस को निकलेंगी, कंफर्म बात है। आपने कैचेस करने हैं, मुश्किल कैचेस करने हैं, वो कैचेस करने हैं जो नाकाबिले यकीन हो। अगर आप कैचेस करने में कामयाब हो गए, हाफ चांसेस को पकड़ने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन साउथ अफ्रीका को उड़ा सकती है। चौथे नंबर पर आता है हसन अली और शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग। मुझे लग रहा है ये दोनों अच्छी फॉर्म में नहीं है, इनको अभी तजर्बा नहीं है। इनको बॉलिंग इस माइंडसेट से करनी है कि रन्स भी नहीं देने, कहीं विकेट लेने के चक्कर में रन्स थ्रो ना कर दें। पांचवें नंबर पर यासिर शाह को अच्छा यूज़ करना है कैप्टन ने, सरफराज अहमद ने यासिर शाह को अच्छा यूज़ करना है, कहीं विकेट लेने के चक्कर में रन्स थ्रो नहीं करने। क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है, यासिर शाह रन्स बहुत ज़्यादा देते हैं। उन्होंने मुत्तहद अरब इमारात में भी रन्स बहुत ज़्यादा दिए, अगर जो उन्होंने विकेट लेने के रन्स भी दिए, साउथ अफ्रीका के विकेटों पर रन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि गेंद बल्ले पर आता है। अगर यासिर शाह को मार पड़ी तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, उनको मार पड़ सकती है। मैं बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा, यासिर शाह को मार पड़ सकती है। इसलिए सरफराज अहमद ने यासिर शाह को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, लंबे स्पेल नहीं कराने हैं विकेट लेने के चक्कर में, अच्छे माइंड सेट से यूज़ करना है, छोटे छोटे स्पेल करवाने हैं, रन भी नहीं देने, विकेटें भी लेनी है। और छठे नंबर पर अपने माइंड सेट को बेहतर करना है, ज़हनी अप्रोच को बेहतर करना है, ज़हन में रखना है हम जीत सकते हैं, हम साउथ अफ्रीका को हरा सकते हैं। ज़हन में रखना है कि अगर हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो हमारी बहुत ऊंची शान होगी। इस वजह से अपने माइंड सेट को अच्छा रखना है और जीतने का सोचना है, हारने का बिल्कुल भी नहीं सोचना, सिर्फ जीत के साथ मैदान में जाना है और हर खिलाड़ी को अपनी अप्रोच पर खेलना है।